हेलो क्लास, वेलकम बैक। सो वी वर डूइंग अ चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर कर रहे थे हमने। पिछले लेक्चर में क्या किया था, स्केलेटल सिस्टम स्टडी किया था। सो हम आज जो करने वाले हैं वो हम करने वाले सेकंड पार्ट उसका, मींस पार्ट्स ऑफ दैट स्केलेटल सिस्टम। सो बहुत ईजी है ये भी, तो हम जनरली आपकी बुक्स खोल लीजिए आप, ईजी ईजी है। अब जल्दी जल्दी अभी इसको कम्प्लीट करेंगे। ओके, सो नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द स्कल, जो मैंने बताया था स्कल। स्कल किसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, है ना। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। तो स्कल का जो पार्ट है हम उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। आपकी बुक्स में भी डायग्राम दिया गया है, आपके सामने चार्ट भी है, सो यू कैन कवर फ्रॉम बोथ साइड्स। सो नाउ रीड इट आउट। द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टूगेदर। इन साइड द स्कल इज अ सॉफ्ट ऑर्गन कॉल्ड ब्रेन। कि देखिए जो स्कल है वो स्कल किससे बना होता है, 8 फ्लैट बोन से मिलकर बना होता है। जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं, और फ्लैट बोन्स से 8 फ्लैट बोन्स को मिला के हमें एक स्कल बनता है। और उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो उसके अंदर क्या होता है, वो कौन सा ऑर्गन है, वो है ब्रेन। कि स्कल के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, और बहुत ही जो 8 जो फ्लैट जो हमारी बोन्स हैं इंटरलॉक्ड होती हैं, जो उसके अंदर होता है वो ब्रेन। मीन्स इट इज क्वाइट प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स। सो नाउ नेक्स्ट, देर आर 14 फेशियल बोन्स दैट मूव्स फ्रॉम द फेस, है ना। कि जो हमारा फेस है, ये जो फेस है देखिए, जो स्कल की जो बोन्स है वो तो ऊपर वाली, और जो फेस है हमारा ये किससे बनी थी, फेशियल बोन्स बोलते हैं इन्हें, फेस से वर्ड बना फेशियल। सो फेशियल बोन्स जो है वो कितनी है, 14 फेशियल बोन्स होती हैं, जो क्या हेल्प करती हैं हमें, प्रोटेक्ट द आईज टंग्स एंड नोज। कि देखिए ये जो फेशियल बोन्स है ये हमारी आईज को, नोज को और माउथ को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज द अपर जॉ इज अ पार्ट ऑफ द स्कल, ओनली द लोअर जॉ कैन बी मूव्ड, इट एनेबल्स अस टू ईट एंड ड्रिंक। कि देखिए अब अपर जॉ था, हमने ये जॉ वाला एरिया ये कंसीडर किया था, ये जो अपर वाला पार्ट है ये अपर जॉ है, और जो नीचे वाला ये जो चिन वाला पार्ट होता है इसके नीचे वाला ही, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर जो बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए जो हमारा अपर जो है, मींस जो ये वाला जो है, जब हम खाना खाते हैं तो ये वाला जो हमारा नहीं हिलता है क्योंकि ये कनेक्टेड है दूसरे से, बट हमारा नीचे वाला जो है ये च्यू करने के लिए क्या होता है, मूव होता है। मींस इसका मतलब क्या है, जो लोअर जो है वो हमारा मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हम खाना खाते हैं वो उसके लिए हेल्प हमें लोअर जो करता है, अपर जो मोशन में नहीं आता है। ओके, सो ये जो हमारा पार्ट था ये था स्कल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज द बैक बोन और स्पाइन। ठीक है, तो बैक बोन कौन सी होती है, जो हमारी कमर की जो पीछे वाली जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल बोन, या फिर हम बोलते हैं बैक बोन, है ना। तो बैक बोन हम किसको बोलते हैं, हिंदी में हम जिसको बोल देते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना। सो दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड और बैक बोन। ओके, सो नाउ स्टडी अबाउट दैट। आप इसकी पिक्चर बुक में से भी देख सकते हैं, और आपको ये एनलार्ज करके यहाँ पे भी ये पिक्चर दिखाई गई है स्पाइन की। ओके, सो ये वाली जो बोन है ये हमारी क्या है, स्पाइनल बोन है, जो यहाँ से नीचे से स्टार्ट होके और हमारी नेक तक जाती है। ओके, सो नाउ रीड इट आउट। द स्कल रेस्ट ऑन द बैक बोन फ्रॉम विच द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। द बैक बोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। ओके, द वर्टिब्रे आर कॉल्ड लिंक टू टुगेदर, ईच वर्टिब्रेट हैज एन होल इन इट, ईच स्पाइनल कॉर्ड विच इज डेलिकेट ऑर्गन पास थ्रू दीज होल्स इन द बैकबोन एंड दस गेट्स प्रोटेक्टेड। अब देखिए कि आपको क्या दिया गया है, कि ये जो इन्होंने बोला है कि ये जो स्कल है हमारा, मींस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो बोन है, ये वाली जो बोन जा रही है और यहाँ तक जा रही है, देखिए स्कल के पीछे तक, सो दैट इज कॉल्ड बैकबोन, राइट। एंड हेयर इज गिवन यू द एनलार्ज पिक्चर, कि यहाँ पे ये खत्म हो रही है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे स्कल कनेक्टेड होता है। ओके, तो स्कल क्या करता है, यहाँ पे इस पे इसी बोन पे रेस्ट करता है। इसकी जो बोन्स होती हैं ये देखिए, जब इसको आप काउंट करेंगे तो आपको 33 मिलेंगी ये। सो दीज आर मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में होल्स होते हैं। ओके, जो क्या हेल्प करते हैं हमें, होल्स क्या हेल्प करते हैं हमारे पास में, इधर बैकबोन को जो प्रोटेक्शन के बाद में जो होल्स होते हैं वो हमें बेंडिंग में हेल्प करते हैं। ओके, कि जिसके कारण क्या होता है, वो इजीली बेंड हो सकती है। एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रे।
ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज रिब केज. सो रिब केज में आप देख सकते हैं, रिब केज क्या है हमारे पास में, आप देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कि रिब केज क्या है हमारे पास में. रिब केज हम इसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम रिब केज बोलते हैं. सो रिब केज हैव, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक्स, रिब केज हैव 12 पेयर्स ऑफ थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स लाइक कॉल्ड रिब्स मेड अप ऑफ रिब केज. सो देखिए ये इसका हम 12 काउंट कर सकते हैं कि 12 पेयर्स हैं, ये बिल्कुल थिन लाइंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड अप टू 12. सो ये जो रिब्स होती हैं ये कितनी होती हैं, 12 होती हैं. और इस पेयर को पूरे कंप्लीटली को हम क्या बोल देते हैं, रिब केज बोल देते हैं. ओके, सो दिस इज योर रिब केज पोर्शन. सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अदर कंटेक्स्ट ऑफ दिस रिब केज. सो नाउ नेक्स्ट इज रिब केज. दीज रिब्स आर जॉइंड विद अ लॉन्ग बैक बोन एंड द फ्लैट ब्रिस्ट बोन इन द फ्रंट. कि ये किससे कनेक्ट होती है, जो हमारे पास है बैक बोन और ब्रिस्ट बोन थी जो हमने अभी देखी थी बैक बोन, उसके साथ में ये कनेक्ट होती है कर्व होके और ये कनेक्ट हो जाती है पीछे से. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज दीज बोन्स फ्रॉम अ केज विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. कि जो लंग्स और जो हमारे पास में हार्ट होता है वो इस रिब केज के अंदर होता है, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स. नेक्स्ट इज द लास्ट टू पेयर्स ऑफ द रिब्स एट द बॉटम ऑफ द रिब केज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे आर जॉइंड ओनली टू द बैकबोन. ठीक है, सो जो बैकबोन के साथ ओनली कनेक्टेड होते हैं, जो लास्ट टू पेयर्स हैं वो ओनली बैकबोन से कनेक्टेड है, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जिससे कि वो क्या है, ओनली एंड ओनली बैकबोन से जो कनेक्टेड है. नेक्स्ट इज लिम्ब्स. सो लिम्ब्स क्या होते हैं हमारे पास में, लिम्ब्स होते हैं जो हमारे पैर जिनको हम बोलते हैं, है ना. आर बॉडी हैज टू पेयर ऑफ लिम्ब्स, द पेयर ऑफ फोर लिम्ब्स और द आर्म्स एंड अ पेयर ऑफ हिंड लिम्ब्स आर कॉल्ड लेग्स. कि जो हिंड लिम्ब्स होती हैं उनको हम लेग्स बोल देते हैं, और जो हमारे पास में फोर लिम्ब्स होती हैं हम उसको क्या बोल देते हैं, आर्म्स बोल देते हैं. मीन्स ये हमारी फोर लिम्ब्स हैं और जो नीचे जो हमारी लेग्स वाली हैं वो हमारी क्या है, हिंड लिम्ब्स है. ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हिंड लिम्ब्स को बोलते हैं लेग्स, और फोर लिम्ब्स को हम क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब्स को हम बोलते हैं आर्म्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट आर्म्स एंड लेग्स. हम इसके बारे में फर्दर आगे स्टडी करने वाले कि आर्म्स और लेग्स में कैसे कैसे होता है. ओके, तो देखिए आपके नेक्स्ट पेज पे आपको आर्म की और लेग्स की क्या दी हुई है, स्ट्रक्चर बना के दी हुई है. सो नाउ फर्स्ट आर्म, द अपर आर्म हैज ओनली वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमेरस, द लोअर आर्म हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना. अब देखिए जो अपर आर्म है, जो हमारे पास में अपर आर्म है, इसमें क्या है, एक लॉन्ग बोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस. देखिए आपको दिख रहा होगा अपर आर्म मीन्स यहाँ से लेके और यहाँ तक का पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर आर्म. और क्या बोन का नाम क्या है इसका, ह्यूमेरस. नेक्स्ट इज द लोअर आर्म हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना. अब देखिए इसमें क्या है, रेडियस एंड अल्ना है. ठीक है, अब रेडियस एंड अल्ना इसके दो पार्ट्स हैं आगे, अ रिस्ट बोन एंड मैनी स्मॉलर बोन्स आर ऑफ द फिंगर्स. अब जो रिस्ट बोन है, रिस्ट भी दिख रही है आपको, फिंगर की बोन्स भी दिख रही है, और जो इनको ज्वाइन करवा रही है, द अपर आर्म ज्वाइंस द लोअर आर्म एट द एल्बो. जो ये ज्वाइन करवाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हम कोहनी जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एल्बो. सो ये जनरली आपका था आर्म का पोर्शन, कि आपको आर्म कैसे दिखती है, आपको पार्ट्स बना के दिए गए हैं जो आपको क्या करने हैं, ईजिली स्टडी करने हैं, जो कि क्वाइट ईजी है. सो नाउ लेग्स, लेग्स जो है हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है इसका. सो लेग्स का भी आपको क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है. द अपर लेग इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बोन कॉल्ड फेम्यूर एंड और थाई बोन. जो हमारी थाइज पे जो बोन होती है ना, कि जो हमारी थाइज बोन होती है, ऑब्वियसली यू नो द थाई. सो थाई आपको इसमें दी भी हुई है, थाई बोन जो हमने अभी आपको बताई भी थी पिछले लेक्चर में. सो थाई बोन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेम्यूर भी बोल देते हैं, FEMUR. ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी. ये बोन जो है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन है. ओके, सो द लोअर लेग हैज टू बोन्स कॉल्ड टीबिया एंड फिब्यूला. नेम्स जो है वो थोड़े क्वाइट डिफरेंट हैं, जो आपको लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, बट एक बार लर्न करने के बाद में आप उसे भूलेंगे नहीं, तो आप बार बार आपको क्या करना है, इसको स्टडी करते रहना. ओके,
सब जो लोअर लेग जो है वो किससे, टीबिया एंड फिबुला, ये दो से मिलके बनी होती है। द एंकल बोन एंड मैनी अदर स्मॉल बोन्स ऑफ द टोज, कि एंकल्स जो होते हैं, जो हम पैर की जो उंगलियाँ होती हैं उसके ऊपर जो होते हैं वो एंकल्स होते हैं, और जो फुट होते हैं वो होते हैं जो जिनको पैर बोलते हैं, है ना, फुट फुट को हम पैर बोलते हैं, और टोज भी आपको इसमें बना के दिए गए हैं, सब कुछ आपको मार्क करके दिया गया है, जो कि आपको फिगर में से साथ साथ देखना है और उसको समझना है। ओके, द अपर लेग मीट्स द लोअर लेग एट द नी, जो हमारा घुटना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं, जहाँ से दोनों पार्ट्स का एडिशन होता है, जहाँ से दोनों पार्ट ज्वाइन हो रहे होते हैं। सो इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंसिडर अबाउट द जॉइंट्स। अभी हमने बात की ना कि ये लेग्स यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, तो जो ज्वाइन हो रही है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं, जो कि हम अपने आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ लुक ऑफ दिस पार्ट ओनली एंड हैव अ स्टडी एंड हैव अ गुड लुक ऑन दैट एंड मेक अ ग्रिप ऑन दैट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।